नमस्कार, मैं हूं महेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। साथी और आपका फैसला। साफ पार्टी ने लालगंज प्रखंड के पौरा मदन सिंह पंचायत के पौड़ा गांव में शुक्रवार को कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक विनोदानंद, संचालन अधिवक्ता सह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यशवंत कुमार सिंह ने किया। साफ पार्टी ने पूरे बिहार में जनसंपर्क यात्रा शुरू की। सुभाष चंद्र बोस की तरह चेहरा रखने वाले हमारे कुंदन जी नाम है। कुंदन जी नाम है उनका, है कि नहीं? और साफ पार्टी के सभागार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनके बारे में ऐसे नहीं, इनका घर तो महानगर स्टेशन के पास है, मैं इनके बारे में बड़ा चारों प्रशंसा मैंने सुना था। महात्मा बुद्ध कहे थे, कोई कुछ कहता है मत मानो, अपने दिमाग से सोचो तब मानो। मैंने अपने अध्ययन से जाकर आसपास से मैंने इनके बारे में पता लगाया था कि कैसे व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा लगा क्या देखने में जितने साफ सुथरा ऊपर के चेहरा से नहीं, उतना हृदय से इन्होंने साफ लगा कि मैं उनके साथ घर पर पहुंच कर इसे मिलने का प्रयास किया। बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग जो जिनका नाम मिथिलेश कुमार जी है, जो आपके भावी विधायक यहाँ के लालगंज के पड़ते हैं, मैं आज यहाँ पधारे हुए हैं। मंजू सिंह जी, रेखा बाबू ने कहा था एक सभा में कि मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, अब मेरे सभा में जरूर आएंगे। इन्होंने बात के पकिया निकल गए, इसीलिए मैं कभी हूँ इस जिला का, मैं कभी होने के नाते एक लाइन मैंने रेखा सिंह पर तैयार किया है। क्या कई पुस्तकों को क्या था को हम विद्वान कहते हैं, कथनीय करनी में महान, उसे रेखा सिंह कहते हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, लेकिन आज मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने दिमाग से सोचेंगे, मेरे बात को सीधे मत मान जाए। आजादी की पहले भी और आजादी के बाद भी जब जब नौजवानों ने हुकारी दिया है, तभी परिवर्तन हुआ, आज भी परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से यही कहूंगा, क्या है नौजवानों, अरे तन में जोश और जिगर में जान, हर दिल में तूफान पैदा कर, मांगने से क्या मिलेगा, हर मोर समाज में जाकर, घर में जाकर एक साफ पार्टी के बारे में एक विश्वास पैदा कर। मैं आप लोगों से कहूँगा, अच्छा लगता हूँ माने, क्योंकि देखा गया है नौजवानों पर मुझे भरोसा होता है कि डुबा दे जहाज को उसे, अरे तूफान कहते हैं, और सीने से लगा ले तूफान को, उसे ही नौजवान कहते हैं। इसलिए मैं नौजवानों को यह कहना चाहूँगा, मैं जो कुछ भी कहूँ सच्चाई देखें, मैं इनके बारे में जो इनकी कार्यकाल को देखकर, मैं साफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश जी की ओर से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि तुम साथ देकर देख लो साथी, तुम साथ देकर देख लो साथी, हर एक नया इतिहास बना देंगे, अरे पसंद जो पसंद है, पत्थर को भी मधु मास बना देंगे। ऐसा नहीं है, आप सोचने की बात है, जितने भी आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जितने भी पार्टी है आपके देश के अंदर, मैं किसी को नहीं साझा जो काम को लेकर हमारे कोई भी हुकूम नहीं है, हमारे सच्चा साथ जो आएगा मैं उसी के साथ हूँ, कोई कुटुंब नहीं है। अभी का जो स्थिति है राजनीति के बारे में, जितने भी ऊपर के पार्टी हैं, हम लोग चाहते हैं या निर्दलीय के पार्टी दे वोट दे, या कोई नए पार्टी जो आ जाए सामने उसको वोट देंगे, ऊपर वाले का जो स्थिति है उसमें हम क्या कहें। हे भैया, हम वोट गिरा के आ रहे थे तो कुछ लोग गांव के लोगों को घेर लिया, का जो समय उनको मिलता नहीं हमसे कुछ सुनने का, सवेरे पर निकल जाते हैं, रात में जाते हैं, कह जाओ ओ सुना कहाँ रह छू तू, कहा हो तू, केकरा वोट दे लू, हम कहे हो तू केकरा वोट देवे कह चाहो, आँ अजीज भेली हम चुनते आ सबके भाषण सुनते रे के पोछे अखिया के लोट रहुआ चाहे जरा चुनू, एगो डाकू है एगो चोर। मैंने उसके बारे में कहा जिसको आप दीजिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं आगे चुनाव में बेरा तो गाँव गाँव में डाले डेरा, आदमी के समझे आना भेरा, अपन चमता खाइया लड्डू पेड़ा, आ जात के बिहार बढ़ा बना के अब वोट बटोरिया भिड़ा भिड़ा के, आ जात के नाम पर रहुआ लड़ू रहुआ मरू हुनकर जीत, आ जीत के जे गेल से कभी पूछे ना आयलन, एगो लुटन अरब करब एगो लुटन लाख करोड़, आ रहुआ चाहे जरा चुनू एगो डाकू है एगो चोर, देख लो गुला भगवान कोई हमारे गुरु न है। नहीं, साफ पार्टी के बारे में कुछ नहीं, मैं सच्चाई की पता लगाने के बाद आया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा
कि अभी का स्थिति है, शिक्षा का भी स्थिति है, या मैंने एक पुस्तक के अंदर रचना भी किया है। आप जल संकट को मरम्मत करने का काम करें, और जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं होता है तब तक जंगल से पानी सभी जगह पहुंचाया। तो उसके तुरंत बाद लगभग सभी पंचायत लेवल पर टैंकर से पानी पहुंचाने का काम शुरू हो गया। अब पता नहीं यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन हमने सर्वे किया था तो लगभग 60% पंचायतों में टैंकर से पानी पहुंचाने का काम शुरू हो गया था। इसके बाद पिछले दिसंबर महीना में प्याज का रेट लगभग 150 kg तक पहुंच गया। फिर लोगों ने मेरे पास शिकायत की कि भाई अब प्याज का आप कुछ कीजिए। हम कहे भाई हम तो प्राइवेट आदमी हैं और अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम करना शुरू किए हैं, मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि प्याज को मैं रेट को डाउन कर दूं, और मैं सत्ता में हूँ भी नहीं। फिर भी मैं चलिए सरकार को सबक सिखाने के लिए 10-20 क्विंटल लोगों में बांट देता हूँ 30 रुपये के रेट से, ताकि सरकार को लगे कि भाई कोई निजी आदमी जब इस तरह की व्यवस्था जनता के लिए कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें। हमने लगभग 15-20 पंचायत में 30 रुपये केजी के दर से प्याज का वितरण किया, और इसमें मियां बैरो पंचायत था, घटारो पंचायत था, आपसे कहें पुरंडार पंचायत था, असोई पंचायत था। यहाँ के लोगों से हमें संपर्क नहीं था, किसी ने कॉल नहीं किया तो हम यहाँ वो सेवा नहीं दे सकते। तो जब हमने किया तो लोग लाभ उठाए, लेकिन इस पर सरकार संज्ञान नहीं ली और काफ़ी समय के बाद जाकर के रेट डाउन हुआ और रेट प्याज का प्रॉब्लम हो चुका है। इसी तरह से हम दिल्ली में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, तो लोगों ने फोन किया कि भाई अगर सारी दिया तो क्राइम माहौल बन चुका है। क्राइम माहौल को ऐसे मानिए कि अपराध का प्रक्रिया बन गया, तो अपराध का बाजार बन गया है, इसके लिए कुछ किया जाए। अगर इसके लिए तो फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को खबर दिया और कहा कि ऐसा किया जाए जिला प्रशासन पर और SP पर, इसके लिए दबाव बनाया जाए और एक धरना और एक रैली का व्यवस्था किया जाए। तो उस धरना रैली में कुल्ले जी भी थे, लोकेश जी भी थे, और बाकी जो हमसे संबंध रखते थे, जो पार्टी से उस समय तक जुड़े हुए थे, वो लोग भी थे। 27 जनवरी को हम लोगों ने हाजीपुर में अपराध के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ एक रैली निकाला, और रैली के तुरंत बाद धरना में बैठ गए हम लोग। लगभग कंटिन्यू 4 दिन हम लोग हाजीपुर गांधी चौक पर बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ धरना में बैठे, और बैठने के बाद जिला प्रशासन से कोई आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन राघव जी जो पुलिस महकमे के एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने राघव दयाल जी ने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को आश्वासन दिया कि हम लगे हुए हैं, हम इस पर जल्द ही नियंत्रण करेंगे। हम लोगों ने पूछा कि भाई अगर आप लोग जागरूक हैं तो ये बताएं कि ये बारूद, यह गोली और पिस्तौल और देसी कट्टा कहाँ से आता है, इसका मार्केट कहाँ, कौन बनाता है, आप लोगों का काम है अवैध उद्योगों को नियंत्रित करना, बंद कराना, उस पर लगाम लगाना, कहीं ना कहीं तो यह बंदा होगा, कहीं से न कहीं से आता होगा, इस पर आप लोग लगाम लगाएं और नागरिक की, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए अपनी दायित्व को पहचाने। आप जब जनता से सेल टैक्स लेते हैं, आय टैक्स लेते हैं, तो जनता की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आप ही की है।
और ये जिम्मेवारी आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? डीएम साहब के आगे भी एक पुलिस की गाड़ी है, डीएम साहब के पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी है, और जनता बेचारी मारी जा रही है। आप कुछ करें। लंबा समय तक संघर्ष चलने के बाद आज जिला प्रशासन जागरूक है, इसका परिणाम आप देख रहे होंगे। अपराध में कुछ कमी आई है और यत्र तत्र जहां तहां आपराधिक तबके के लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपसे ये कहेंगे कि हमारी जो नीतीश सरकार है वह एसी रूम में बैठ करके कानून बना देती है। वह यह भी नहीं सोचती है कि जो कानून हम बना रहे हैं उसका दुष्परिणाम जनता पर क्या पड़ेगा। उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रशर मशीन का व्यवस्था करने के बजाय सबसे पहले बालू बंदी कर दिया। अब जिन लोगों को बालू की जरूरत थी वो लोग ब्लैक से बालू खरीदना शुरू कर दिए, और इस तरह से गलत कानून बनाने के कारण पूरे सूबे में, पूरे बिहार प्रदेश में बालू का दाम 2-3 गुना ज़्यादा हो गया। बालू की बिक्री बंद तो नहीं हुई लेकिन दाम बढ़ गए। तो सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले जिला स्तर पर क्रशर मशीन की व्यवस्था करती और उसके बाद बालू को बंद करती, अर्थात जो अवैध रूप से बालू का खनन करके लाया जा रहा था उसे रोका जाता और क्रशर मशीन के जरिए जिला में स्वतः खुद का बालू का उत्पाद किया जाता। उसमें कंक्रीट का भी उत्पाद होता है, बालू का भी होता है, और दोनों तरह के बालू का उत्पाद होता है। तो सरकार ने बेहतरीन व्यवस्था देने से पहले ही बालू को बंद करके बालू का रेट 3-4 गुना बढ़ा दिया। इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसी सरकार को आप लोग सबक सिखाएं, और जो सरकार आपके लिए बेहतरीन काम करे और जो प्रतिनिधि, जो जनता की प्रतिनिधि आपके लिए अच्छा काम करे उसे आप सत्ता में लाने का प्रयास करें। इमादपुर लालगंज रोड के बीच में पुलिया जो खराब थी और उसका मरम्मत का काम हमने खुद का पैसे से नहीं किया, हमने लोगों से पैसा चंदा कलेक्शन करवाया और उसमें हमने भी कुछ चंदा किया, और उसके बाद यह काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। उसका गाटर 6x3 का चैनल लाके रखा हुआ है और इसकी जिम्मेवारी कुंदन जी को और मुकेश जी को दी गई है। ये लोग अब जब तक चाहे, हो सकता है कि कल करा दें और नहीं करा पाए तो परसों, मतलब 1-2 दिन लग जाएगा। तो इसके साथ साथ सरकार में एक चीज और कमी देखी गई है कि नैतिकता की कमी है। सरकार के पदाधिकारी हैं उनको नैतिक शिक्षा की अभाव है। वो लोग जब किसी पोस्ट पर जाते हैं तो एक ही चीज देखते हैं, कैसे पैसा कमाए, और कैसे पैसा कमाए इसके चक्कर में वो लोग हमेशा लगे रहते हैं। जनता परेशान है, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। एक ही आदमी सरकारी आवास का लाभ उठा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहा है, और जिसके पास घर नहीं है वो बेघर पड़ा हुआ है। इसी तरह से 40 साल के व्यक्ति वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, और 80-90 साल के लोग वृद्धा पेंशन के तलाश में जीवन गुजार देते हैं और उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है। अगर प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार न हो और कर्मचारी स्वच्छतापूर्वक काम करें तो मैं समझता हूँ कि जरूरतमंद लोगों को अवश्य लाभ मिलेगा, और इसका लाभ लेने के लिए
अब हम जागरूक रहना पड़ेगा और ईमानदार और अच्छे चरित्र के कैंडिडेट का चयन करना पड़ेगा। तो आइए, हम आप लोग काफी बोर हो गए होंगे तो एक आप लोगों को लतीफा सुना देते हैं। शहर का चुनाव था और एक वृक्ष के नीचे कुछ नौजवान लोग व्यायाम कर रहे थे। तो व्यायाम कर रहे थे तो नौजवान लोग आपस में बात किए, शादी समारोह हो, कोई जग वगैरह हो, उसमें पार्टी की ओर से 6000 लीटर टैंकर का निःशुल्क जल सेवा है। किसी भी पंचायत में अगर जल की सुविधा चाहिए तो आप उस पर नंबर लिखा हुआ है, हमारे मैनिफेस्टो पे लिखा हुआ है, उस पर फ़ोन कीजिए। निःशुल्क जल सेवा मुहैया कराया जाएगा आप लोगों को। शौचालय की टंकी की सफाई आधे दर में सफाई करवाई जा रही है। पिछले सर्दियों में 19 पंचायतों में मैं खुद जाकर साफ पार्टी की ओर से हजारों कंबल का वितरण करवाया था। सकरात से पहले तक जहां तक पॉसिबल हो पाया करवाया। अभी पार्टी की ओर से फ्री मेडिकल चेकअप 1 अप्रैल के 1st वीक से स्टार्ट होगा। फ्री मेडिकल चेकअप, कुछ मुफ्त दवाइयां भी दी जाएगी। तो समझना है सबको कि हमारे इतनी महिलाएं बैठे हैं, जितने बुजुर्ग हमारे युवा साथी बैठे हैं, कि हमारे हित में काम कौन कर रहा है या काम करने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। अगर आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करना चाहते हैं, अगर आपकी सही में इच्छा है कि हाँ समाज के लिए, पंचायतों के लिए, गरीबों के लिए मदद करें, तो आप जरूर करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। अभी सत्ता में नहीं है, पिछले 5-10 सालों में जो उन्होंने काम किया है, सत्ता में अभी नहीं है, फिर भी बिना सत्ता रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है पंचायतों में। तो अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से अगर ये सत्ता में आते हैं तो और भी कितनी सुविधाएं हैं जो सरकार के तरफ से अगर सुविधा दी भी जा रही है तो बीच में दलालों की वजह से सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों के बीच में दलाली खा जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मिथिलेश कुमार साथी जी के उपलब्धियों को पढ़ें, जो हमारा मैनिफेस्टो है आप लोग के बीच दिया जाएगा, उसको पढ़ें, काम करने के इनके इरादों को समझें, इनको सुने और इनका सहयोग करें। खासकर युवा साथी से भी अनुरोध है। हमारे पिछले, मैं 10-15 साल से सामाजिक काम में सक्रिय हूँ। पिछले साल जब हम लोग विधायक राजकुमार साहब को वोट देके जिताए थे, यहाँ से जीतने के बाद किसी भी पंचायत में कोई घर जल गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, पूछने तक नहीं है। 5 साल खत्म होने पे है, इलेक्शन फिर सर पे है, 6-7 महीने 8 महीने में इलेक्शन है, तो वैसे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फ़ायदा जो सामाजिक हित में आपके साथ खड़े ही ना हो। अभी जैसे मुकेश भैया बताया, जो लालगंज दिमापुर का स्मारक है, शर्मा मोदी को 5 रुपये टूटा हुआ, 1 साल हो गया, हम लोग उसी जोर से आप लोग करते होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चंदा इकट्ठा से और भैया के सहयोग से कल शर्मा में पुल का निर्माण होने जा रहा है, पुल का सारा सामान गिर गया,
इस बात के लिए जोरदार ताली होना चाहिए भैया के लिए कि समाज जितने कम से कम होने आगे काम किया तो सही, जो मौजूदा विधायक नहीं कर पा रहा है पता नहीं कहाँ पर चोर हो रहे हो, उनको कोई उसका वो नहीं है, तो सत्ता में नहीं है अभी, अभी जनहित में सिर्फ काम ही कर रहे हैं, तो ये भी चाहेंगे कि मेरा हाथ और मजबूत हो, अगर इनके पास और पावर आएगा तो उस हिसाब से काम करेंगे ना, अभी पावर में ना रह के अपने हिसाब से इतना हो पा रहा है कर रहे हैं, तो बस हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आप सुने, इनके विचारधाराओं को समझे, एक पढ़े लिखे और शिक्षित लोग को अगर पद पर रहेंगे तो काम होगा, अनपढ़ लोग अगर बैठेंगे तो सिर्फ अपने लायक में बैठेंगे, वो आपके हित में कभी काम नहीं करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।